ओ बच्चे बच्चे, $223 हैं। और देखो गाइस, ये है कार डीलर शोरूम, मतलब शॉप है जहां से हम लोग गाड़ी खरीद सकते हैं। वेट, ये क्या गाड़ी है? एक सेकंड, नाइस। ये कौन सी गाड़ी है? सुपरा है? नहीं, सुपरा तो देखो वो रही है, देखो ये रही सुपरा। सुपरा ये नहीं, नहीं सुपरा भी नहीं है भाई। गाड़ी क्या मस्त है, ये $35,000 की दे रहा है। ओके, ये वाली गाड़ी $16,000 की है, ये वाली है $21,000 की, और ये मस्टैंग है शायद, ये BMW पता नहीं भाई, गाड़ी का नाम नहीं पता मेरे को, बट शायद मस्टैंग लग रही है मेरे को देखने में। $21,000 की है, ये वाली $26,000 की, और ये $8,000 की, और ये है $35,000 की। भाई साहब ये क्या मस्त गाड़ी है ना। ओके गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। गाइस तो आज हम फिर से खेलने वाले हैं पंपिंग सिमुलेटर टू। अब देखो यार, जिन्होंने इसका फर्स्ट वाला एपिसोड देखा होगा उनको अच्छे से पता होगा कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और मैंने एक पेट्रोल पंप खरीदा था एक गाड़ी को बेचकर, ठीक है। क्योंकि हमारे पापा के जाने के बाद सिर्फ मम्मी है, मम्मी ने कहा था कि गाड़ी बेच दो और जिस गाड़ी से जो पैसे आएंगे बेचने के बाद उससे तुम एक बिजनेस ढूंढना, ठीक है। तो मैंने एक पेट्रोल पंप खरीद लिया था, उसको पेट्रोल पंप को रेनोवेट करवा करूँ कि मैंने काफ़ी चीज़ें करी थी, ठीक है। बट अब देखो, आपने याद होगा कि फर्स्ट टाइम मेरे पास जीरो थे, ठीक है, $0 थे, बट इस समय मेरे पास $494 हैं। और वो पता क्या हुआ था, क्योंकि ना बीच का पार्ट मैं डाल नहीं पाया क्योंकि किसी रीज़न की वजह से भाई वो वीडियो क्लिप जो मैंने रिकॉर्ड करा था वो एरर में चला गया, वो सब टूट गया, और भाई इसमें गेम हो गई थी सेव, ठीक है। इसकी वजह से वाला पार्ट मैंने गायब कर दिया। उसका देखो मैं आपको ज़्यादा बता दूँ, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, मैं बस अपने वहाँ पर गया हूँ पेट्रोल पंप वगैरह पे, है ना। और मैं आपको बाकी जाके दिखाता हूँ। ओके, तो देखो गाइस, ये वाला है मेरा पेट्रोल पंप, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ जो सेकंड एपिसोड में हुआ क्या था, जब मेरी वीडियो क्लिप लेट हो गई जो मैं डाल नहीं पाया, उसमें देखो क्या किया, मैंने हल्का सा इसको रेनोवेट किया था और साथ में मैंने कुछ गाड़ियों को पेट्रोल भर के बेच दिया था, मतलब उनको भेज दिया था, ठीक है। और फ्यूल टैंक वगैरह भी रखा था और कुछ इलाके मैंने अपने ये सारा सामान भी भरा है, ठीक है। अब देखो गाइस, ये वाला एपिसोड में डाल नहीं पाया क्योंकि कुछ बस वो वीडियो क्लिप डिलीट हो गई थी, पता नहीं कैसे हुई मेरे को नहीं पता, और ये गेम भी सेव हो गई थी, मैं इसको वापस से नहीं कर सकता था, ठीक है। और देखो बाकी इसमें ये 3 डब्बे मेरे पे पड़े हुए एक्सटर्नल, और मैम को पहले सर को भेज देते हैं। ये दिमाग की दही कर रहे हैं, स्टार्टिंग मांगते खड़े हो गए, काम दाम होता नहीं, सुबह सुबह आ जाओ बस, निकल आ जाए। ओके, बस चाटे मारूंगा अलग से, भाग जाते हैं। अच्छा एक और खड़ा हुआ है, यहाँ से फटाफट से उसको भी कर देते हैं और निकले सर। और सर एक मिनट, आपकी पेमेंट रह गई है, जाइए, बहुत बढ़िया, ठीक है। और देखो मैंने CCTV कैमरा भी लगवाया था ताकि मैं चोर वो यहाँ पे आने वाले हैं मेरे, मतलब आते हैं तो मैं उसको ध्यान रख लूँ, मैं ठीक है चोर को देखता रहूँ। और साथ में लिखा बिल एक्सिस्ट। अब मेरे को समझ नहीं आया कि बिल को आखिर भरना कैसे है। भाई देखो गाइस, ये है वो चोर जो कि मेरे सामान चुराना है, इसकी भैंस की लकड़ी, ये देखो तुम, ए तेरी, चल भाई साहब बहुत छोटा है ये, देख रहे हो, ये सामान चुराने आता है ये, और दिख नहीं रहा इसका मालिक कहीं खड़ा हुआ है। भाई इतनी हिम्मत आ कैसे गई मेरे को समझ नहीं है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो इसी के लिए मैंने लगवाया था CCTV कैमरा, ठीक है। और फिलहाल जो ये फ्यूल टैंक के बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, इसको मैं भरने वाला हूँ अपने टैब पर जाकर, स्टेशन पर जाकर वो टैंक को फुल भरवाने वाला हूँ और ऑर्डर कर देते हैं, नाइस, ठीक है। तो $481 का मेरे फुल टैंक भरेगा, इतने में वो फुल की गाड़ी आती है, इतने में मैं चलता हूँ जरा इनके पास जाके बात बात कर लेता हूँ, और वो चोर अब कुछ नहीं करने का, वो भाग जाएगा वहाँ से क्योंकि इसको रैपट चुका है। और ये खा पी के सर यहाँ मत गिराओ ना, अलग से 3 रैपर फ्री में मारूंगा, ठीक है। निकलो यहाँ से, उन्हें अंदर जाना चाहिए, और बच गया भाई। ओके, तो गाइस ये है फ्यूल टैंक की गाड़ी, तो जाके इसमें फ्यूल भर देगी, ठीक है, अच्छी बात। हाँ जी सर बताइए, ये कह रहा है कि पेट्रोल भर दो यार, एक सेकंड रुको सर मैं भरता हूँ आपके, मैं आपकी गाड़ी में मतलब, ठीक है पेट्रोल भर देता हूँ। ओके नाइस, ये भी भरना शुरू हो गया है, और यहाँ से उठाकर फटाफट से इसकी गाड़ी में पेट्रोल भर देते हैं, ठीक है। देखो मुझे पता है इतना पेट्रोल हमारी गाड़ी में है, मतलब टंकी में नहीं, देखो देखो ये रहा बस इतना ही भरा है, ठीक है। और ये वाला भी बस इतना ही भरा है, इसको इग्नोर करते हुए, क्योंकि हमको कोई दिक्कत नहीं लेनी है, क्योंकि यार हमारे पास इस समय है बहुत सारा पेट्रोल जो कि अब आ रहा है, अब इसे भर लूँगा मैं। देखो इस समय पूरा खाली पड़ा हुआ 0% है, और मैं इसको पूरा भर दूंगा फटाफट से अब। ओके नाइस, देखो ये पूरा का पूरा भर चुका, पेट्रोल निकलने में शुरू हो गया भाई, क्योंकि वहाँ पर गाड़ियाँ लगी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। और देखो हमको इसको भी अपग्रेड करना है, अगर हमको इसको अपग्रेड करना पड़ेगा तो हमको चाहिए $600 जो कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो दिक्कत वहाँ यहाँ आने वाली है, और अभी फिलहाल एक बंदा आया हुआ, इसको भी फटाफट से दफा दफा कर देते हैं। हाँ जी सर क्या कह लिया आपने, बहुत चीज़ें भर ली हैं, अच्छी बात है, और फटाफट से यहाँ से पेमेंट दीजिए निकली। ओके नहीं पैसे दिए निकले, देखो मेरे पे कितना सारा सामान भरा हुआ है गाइस, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, इसको भी उठा के फटाफट से यहाँ पे सामान भर देता हूँ। और वेट कैसे भरना है, हाँ देखो ऐसे में आइटम ऐड कर सकते हैं, और काफ़ी चीज़ें मेरे पे इस समय हैं, ठीक है। चॉकलेट वगैरह भी हैं, और ये सारी चिप्स वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी मेरे पास हैं, तो मेरे को कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जो मेरा पेट्रोल पंप है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो मैं फटाफट से इसको क्लीन कर लेता हूँ, और ये अंदर जाना चाहिए। बच गया भाई, थोड़ा थोड़ा सा बच गया बस, वरना वो अंदर गया ही था, ठीक है। यहाँ से उठा के फटाफट से मैं जाने वाला हूँ इसको आगे फेंकने के लिए, इसको मैं हाथ से फेंक दूंगा क्योंकि मुझे वहाँ पे जो कूड़े पड़ा हुआ है इसको भी फेंकने का है, ठीक है। तो फटाफट से इसको भी वेट इसको भी फेंक देते हैं अंदर। अरे वो गया नहीं क्या? ओके नाइस, वो अंदर गया है, और यहाँ पे
बिल्ली, अच्छे बिल्ली मैंने ही पाली थी, बट इसको थोड़ा सा खाना पीना चाहिए जो मेरे पास अभी कुछ है नहीं। ओके, तो वो दो बंदे जा रहे हैं अपना मतलब पैसे वैसे जब पैसे भरने के लिए, क्योंकि इनका जो पेट्रोल है पूरी गाड़ी में भर चुका है, और इसके में भरा है कम से कम $77 का। बहुत बढ़िया, टंकी काफ़ी बड़ी थी इसकी, ठीक है, और ये भी मैंने भर दिया, और इसकी गाड़ी में भरा है $80 का। अरे बाप रे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो टोटल काफ़ी अच्छा खासा डॉलर कमा रहा हूँ मैं अपने पेट्रोल पंप से। और मुझे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि मेरे को अपने पेट्रोल पंप को रेनोवेट भी करना है, ठीक है, साथ साथ। ओके, तो यहाँ पर तीन बंदे खड़े हो चुके हैं ऑलरेडी, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे को बिल कैसे पे करना है अपना, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है बिल एग्जिस्ट। हाँ जी सर, मैम जल्दी आइए, जल्दी निकली यहाँ से, भाई इतना टाइम मत लगाओ करो। $86 देखो गाइस, मैं आपको बता दूँ कि पेट्रोल का और जो ये लोग खरीदते हैं चीजें, ये दोनों को मिलाकर ही हमको पे करना, मतलब ये लोग पे करते हैं तो इजी रहेगा। ओके, तो ओके मैम आप जाइए। और ये आया है देखो यहाँ पर एक बंदा, और ये पता नहीं पैट फूड लेके जा रहा है ये, और कोई बात नहीं, अब फिलहाल इसको भी रफा दफा कर देते हैं। और ये चोर दोबारा गई, डरा दिया इसने। देखो गाइस, देखो ये चोरी है ना, ये सामान लेके जाएगी, पर उछलती है, बट ये लेके नहीं गई, कुछ तो लिया होगा, ऐसी बात नहीं है, ये खाली हाथ तो नहीं जाने की। तेरी पैड़क की देसी, यू गॉट थीफ। भाई इसको इतना मारूं, तो क्या मिट्टी से छोड़ती रहती है अपने शरीर में से मारने के बाद, क्या छोड़ो यार, ठीक है। बट इसने कुछ उठाया नहीं है, मेरे को अच्छे से पता है, देखो हीरा दोनों सामान यहीं रखा हुआ है। ओके, इसको उठा कर फटाफट से मैं वहाँ पे फेंकने वाला हूँ, और वो गाड़ी अपना चली जाएंगी मस्त चिल करते हुए। ओही स्विंग देखा तुमने मेरा, मैंने क्या स्विंग करवाया था। ओके, तो गाइस देखो ये गाड़ी धुलवा लेता यार, गाड़ी धुलवा लेता भाई, भाई गंदी हो रही तेरी गाड़ी, देख धुलवा लेता, उसको थोड़ा पैसा मिल जाता मेरे को। हाँ, तो मेरे को एक चीज़ देखनी है क्या, कि मैं कोई गाड़ी वाड़ी भी खरीद सकता हूँ क्या इसमें। फटाफट मैं जाने वाला हूँ कार डीलरशिप के पास, और देखते हैं इसके पास क्या क्या गाड़ी है, ठीक है। मेरे पे $10, वेट, अब ये मत कहना कि मैं वापस आने के लिए मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं। और बचे $223 हैं। और देखो गाइस, ये है कार डीलर शोरूम, मतलब शॉप है जहाँ से हम लोग गाड़ी खरीद सकते हैं। वेट, ये क्या गाड़ी है, एक सेकेंड, नाइस, ये कौन सी गाड़ी है, सुपरा ये नहीं, सुपरा तो देखो वो रही है, देखो ये रही सुपरा, सुपरा ये नहीं, नहीं सुपरा भी नहीं है भाई, गाड़ी क्या मस्त है ये, $35,000 की दे रहा है। ओके, ये वाली गाड़ी $16,000 की है, ये वाली है $21,000 की, और ये मस्टैंग है शायद, ये BMW पता नहीं, मैं भाई गाड़ी का नाम नहीं पता मेरे को, बट शायद मस्टैंग लग रही है मेरे को देखने में। $21,000 की है ये वाली, $26,000 की, और ये $8,000 की, और ये है $35,000 की। भाई साहब ये क्या मस्त गाड़ी है ना, बाकी चोर वगैरह मेरे शोरूम में आ जाएगा मेरे को पता भी नहीं चलने का, ठीक है। वेट, मैं देख लेता हूँ CCTV चलाकर अपना, फटाफट से सिक्योरिटी पे जाता हूँ। भाई मेरा CCTV पता नहीं वर्क कर ही नहीं रहा है, मैंने लगाया रखा है बट पता नहीं चलता है, ठीक है। सामने भी कुछ गाड़ियाँ वाड़ी खड़ी हैं जो कि कस्टमर बेच रहे हैं, बट हम लोग बाद में आएंगे, बट मैं तो बस देखने आया हुआ था कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है। फटाफट से चलते हैं वापस से स्टेशन पर, और चोर को पकड़ लेते हैं चोरी करते वक्त। ओके गाइज, मैं आ गया हूँ फटाफट से, पहले मैं देख लूँ कोई बंदा चुरा तो नहीं रहा ना कुछ, सब बढ़िया है, ठीक है। हाँ जी मैम, आप लोग आ चुके मेरे उसमें फटाफट, मेरे को कोई एम्प्लॉय रखना पड़ेगा गाइज, मेरे को कोई एम्प्लॉयर रखना पड़ेगा यार, ऐसे तो मैं भाई मैं कहीं जा भी नहीं सकता। और ठीक है, फटाफट से इसको भी यहाँ लगा दिया है, बहुत बढ़िया, पेट्रोल भर जाएगा इसकी टंकी में। और हम लोग अपने कुत्ते वुत्ते को कुछ खाने के लिए दे सकते हैं क्या, ये बहुत भूखा है तो फटाफट से इसको खाने के लिए कुछ देते हैं, और कुछ चुराया वुराया नहीं है मेरा, बहुत बढ़िया। और डॉग फूड यहाँ पर रखा ही होना चाहिए मेरे पास, कुछ है नहीं क्या, ये है ना, ई टू यूज़ यू नीड टू हैमर टू अपग्रेड, अरे मेरे को ये फूड लेना है। ओके, तो मैम आइए, मैम को कुछ लेना है तो मैम को फटाफट से को दे देते हैं पहले। हाँ जी मैम बताइए। बहुत बढ़िया, अच्छा जी, कमा रहे हो, कमाओ, गजब, ठीक है। अबे ये म्यूजिक क्यों बज रहा है, बट ओके, तो म्यूजिक बंद करते हुए कॉपीराइट से बचते हुए फटाफट से आप जाइए मैडम, फटाफट से यहाँ से, ठीक है। छोटा वोटा दोबारा देखो, दोबारा आ गया भाई, इसको समझ नहीं आ रही, इसकी खोपड़ी ने तोड़ दी मैंने इस बार, इससे नहीं मानने, मारूंगा तो इससे ही तेरी, चल यहाँ से निकल, समझ नहीं आ रही क्या, समझ नहीं आ रही तेरे को। ओके 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 गाइस, वो दोनों उसको उनका पेट्रोल भर गया होगा लगभग, और मैं जाता हूँ फटाफट से। देखो ये जा रही है अपने पेमेंट करने के लिए, ठीक है, और वो बंदे का अभी तक भर नहीं है शायद से, भर चुका है बट जा क्यों नहीं रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैम जाइए ना, आपका पेट्रोल भर चुका है पूरा। ओके, फटाफट से इसको लगा देते हैं यहाँ पर, और इससे यहाँ से भी लेके पंप को यहाँ वापस लगा देते हैं, नाइस। और मेरे पे अभी कितना बच रहा है मेरे को देखने दो, अभी भी 60% बच रहा है पेट्रोल, तो अच्छी बात है। ओके, बंदी चल दी है, फटाफट से इसको उठाकर हम लोग यहाँ से फेंकने वाले हैं, नाइस, अंदर जाएगा गाइस, अंदर जाएगा, बहुत बढ़िया। वहाँ पे एक और ने तम्बाकू बम्बुक, भाई सब दो दो पड़े हुए हैं, देख रहे हो, नाइस, और ये जाना चाहिए था बट बच गया। ओके नाइस, तो इसको उठा के फटाफट से यहाँ पर थ्रो कर देते हैं। ओके, वो नहीं गया इसके अंदर, कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी देखो मैं सोच रहा हूँ गाइस, हम लोन ले लेते हैं यार, क्योंकि लोन लेने से अच्छा रहेगा, कि लोन लेने से ना हमारा एक फायदा रहेगा कि हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं अपने पेट्रोल पंप को जल्दी जल्दी से। मैं बहुत ट्राई करता हूँ, इसमें लोन तो है ना, हाँ था इसमें लोन का, तो फटाफट मैं देख लेता हूँ कि हम लोग लोन वगैरह ले सकते हैं। देखो यार, लोन तो मुझे लेना था, बट मैं सोच रहा था कि बिना लोन लिए ही काम चल जाए तो अच्छा रहेगा, बट नहीं चलने का गाइस,
ठीक है, तो मेरे को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, फटाफट से मैं यहाँ पे क्लीन हट जा सफा कर दूंगा तेरे को मैं। ओके, थोड़ी गंदगी यहाँ भी है, फटाफट से इसको भी क्लीन कर देते हैं। भाई जितना गंदा रहेगा ना उतना दिक्कत होती है हमको बाद में। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक और देखा था मैंने, यहाँ तंबाकू फैला हुआ किसी का। ओके नाइस, एंड एक और बढ़िया। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर खड़े हुए हैं, फटाफट से इनके पेमेंट कर देते हैं इनकी फटाफट से, और डन डन एंड मैम निकली फटाफट। बहुत बढ़िया, हाँ जी आप जाइए, मेरे को पता है मेरे को इतना मस्त सिखा, मैं रैपिड और पा लूंगा तेरे को। बहुत बढ़िया, हाँ मैम निकलिए और निकलिए और आपको वापस यहीं रख देता हूँ उसको। ही ही, अच्छा मेरे को यहाँ रख देना है ये पेमेंट करके। ओके ओके ओके, अब समझ गया मैं, पेमेंट करनी है और मेरे को यहाँ रख देनी है वापस सेट। नाइस, बहुत बढ़िया, तो जाइए मैम लेकर। गजब, अरे गजब, फटाफट गंदगी क्यों करके जा रहे हो भाई इतनी, यार मैंने तुम्हें कुछ कहा थोड़ी है भाई, बिन मतलब ही गंदगी कर रहे हैं यार ये लोग। ये देखो कितनी गंदगी फैला दिया भाई, क्या इसको क्लीनिंग कर सकता मैं। ओके छोड़ो यार, यहाँ पे मुझे डस्टबिन ला के रखना पड़ेगा गाइस, चोर वगैरह तो नहीं आ रहा ना। थ्रो, नाइस, बच गया भाई। ओके, वो चोर कभी बात आ सकता है गाइस, उसका ध्यान रखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। द प्लेस इज़ वेरी हॉट, हाँ मेरे को पता है, मेरे को यहाँ पे एक एयर कंडीशन लाना पड़ेगा, और मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है कि मैं एयर कंडीशन खरीद सकूँ। गाड़ी गाइस, गाड़ी देख के मेरा जी बहुत ललचा रहा है यार, क्या मस्त मस्त गाड़ी मिलेंगी ना, तुम सोच सकते हो यार। ओके नाइस, और ये कहाँ गया है भाई, वेट तो स्विंग स्विंग देखो करो भाई मेरी तुम। ओके बेटे, ओके तो यहाँ पे ये चीज़ क्या है, मैं एक बार इसको देख के आता हूँ यहाँ पे क्या बन सकता है ये। 600 रुपये का रिपेयर होगा, ये ऑफिस बनेगा, ओह ये भी ऑफिस होगा हमारा, नाइस। नहीं ये ऑफिस अलग चीज़ होगी, और ये क्या है फिर, एक ये देख लेता हूँ मैं, ये क्या है फिर, ये पता नहीं कुछ, ये भी ऑफिस ही होगा ना, ये पता नहीं क्या है, खैर इसको छोड़ो ठीक है। और अभी सिंह को इग्नोर कर देते हैं, और बाकी हम लोग गाड़ी वाला आ चुका है, पिंक कलर की गाड़ी लेकर आया भाई बंदा ये, देख रहे हो। फटाफट से इसको यहाँ से हम लोग होल्ड रख के, और मैं आपको बता दूँ अगर हमको ज़्यादा पैसा कमाना है इस स्टेशन पर, तो हमको कुछ ना कुछ भाई साहब ड्रग्स वगैरह सेल करने पड़ेंगे। एक का मैसेज मेरे पास आया था, फिलहाल उसको दफा दफा कर देता हूँ मैं, चल यहाँ से निकल, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है मैं फटाफट से मैं उसके ड्रग्स लेके आ जाता हूँ, ताकि वो बिक जाए, और बिकने के बाद काम बन जाएगा, ठीक है। तो इसको उठाकर इसको हम लोग यहाँ फेंक देते हैं, अब बहुत बढ़िया। और एक काम और करते हैं हम ना, साथ साथ इसके भी पेट्रोल वाला लगा ही देते हैं, क्योंकि यार देखो ये अभी अभी आया है, फिर ये बहुत देर में जाएगा वरना। और बहुत बढ़िया, और गाड़ी धुलवा ली, बहुत गंदी हो रही है तेरी गाड़ी, ठीक है ना, इसके में हो चुका पूरा, नहीं भरने वाला है। फटाफट से मैं ड्रग्स डीलर के पास जाता हूँ, और वहाँ से कुछ ड्रग्स लेकर आता हूँ, ठीक है। देखो ड्रग्स लाने से ईजी हमारे पास ये रहेगा कि हमको काफ़ी मज़ा रहेगा, और जिन्होंने इसका फर्स्ट एपिसोड देखा था उनको अच्छे से पता होगा कि इसमें पुलिस भी आती है ये चेक करने कि हमने कुछ गलत वगैरह चीज़ तो रखी है। हाँ मेरे को दवाई भी लेनी थी मम्मी के लिए, तो मैं फटाफट से यहाँ से पिल ले लेता हूँ, $30 की है, ले ली ना, ओके ले ली मैंने, नाइस। और मेरे को यहाँ पे एक ड्रग डीलर से भी मिलना था, जो कि ड्रग सेल करता है। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में, ओए ये तेरी कैसे शर्ट फट रही है बे, टगले को छोड़ो यार, टगला छोड़ो अभी। ये क्या है मैडम, ही टू परचेज फ्लावर, हाँ फ्लावर लेके चलते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, नाइस। इसको भी लिख लिया है मैंने फटाफट से, ठीक है ओके। और ये क्या है यहाँ पे, कुछ खाने पीने का नहीं, अरे वो ड्रग्स वाला कहाँ गया, इसको फेंको अभी, ठीक है। वो ड्रग्स डीलर वाला का यहीं मिलता है मेरे को, अच्छे अच्छे वेट, शायद से वो रात में आता है, ओके ओके ओके, शायद वो रात में आता है। फटाफट से मैं इसको उठा लेता हूँ, ये मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए है, ठीक है। हाँ 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 हाँ, गाइस मेरे को जल्द से जल्द कुछ भी करके ना एक गाड़ी खरीदनी होगी, वरना मेरे $10 तो भाई मेरे आने जाने में लगता है, और मैं कई जगह जाता हूँ। वेट, हाँ तो पहले मैं इसको जाके रख देता हूँ, क्योंकि ये मैं अपने घर लेके जाने वाला हूँ, तो फटाफट से मैं इसको आराम से यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। नाइस, ओके बढ़िया, हाँ तो इसकी पेमेंट कर देते हैं फटाफट, डन एंड डन एंड निकलिए सर आप, बिल्कुल निकलिए। हाँ मैम क्या चाहिए आपको, जल्दी ले लीजिए। और मेरा CCTV वर्क क्यों नहीं कर रहा है, ये चीज़ मेरे को पता नहीं चली है अभी तक, ठीक है मेरे को चेक करना पड़ेगा कि CCTV वर्क क्यों नहीं कर रहा है मेरा। ओके मैम आप भी निकलिए और जल्दी जाइए यहाँ से फटाफट। ओके डन, आप भी आइए और निकलिए पेमेंट लेके अपनी, और डन डन। मैं एक एम्प्लॉयर रख लूँ क्या गाइस, ये बताओ मैं एक एम्प्लॉयर रख लूँ क्या, मैं फटाफट से जाता हूँ, कोई चोर वगैरह तो नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ओके 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 ओके। मैं इसको फटाफट से यहाँ से हटा कर इनकी वापस से रख देता हूँ। कितने में भरा था इसका, इसको मैं पेट्रोल, कभी कभी पेट्रोल शो नहीं करता किसी गाड़ी में कितने का भरा है, ठीक है। बट ये सब छोड़ो, बट मेरे को देखने दो कि मेरे का कितना अभी 41% है मेरे पास पेट्रोल फ्यूल, तो मेरे को दिक्कत नहीं लेने का, ठीक है। फिलहाल एक बंदा आया है शायद से मेरे इसके अंदर, शायद से आया ही आएगा, पता नहीं, शायद आएगा जरूर। देखो वो आ रहा है, देखो वो आ रहा है, घूम के आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट एक काम और गाइस, कि मेरे को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अपने शोरूम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा भी हो रहा है, काफ़ी धीरे धीरे काम चल रहा है। वेट, इसको फटाफट से उठा के यहाँ फेंक देता हूँ। और ये सब चीज़ें इतने दूर दूर कैसे फेंक रखी है मैंने, डन। बिल एग्जिस्ट, अरे ये कहाँ भरना है, पेमेंट कहाँ करनी है बिल की, भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा ये बिल भरना तो किधर है, तो किधर है।
ओके, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब बढ़िया है। कोई भी बंदा गाड़ी नहीं धुलवा रहा है अपनी, मेरे को नहीं पता, बट वो छोटा दोबारा वापस आ गया, इसको फिर रावट मार के भगाना पड़ेगा। तेरी भैंस की लकड़ी काटूं, तुझे समझ नहीं आती, चला जाए यहाँ से, निकल यहाँ से। भाई कितना सारा साना चोर है भाई, साल सीधा सीधा मुंह पर आता है, कुछ करना ना धरना भाई, आराम से आ जाता है फटाफट। ओके डन, निकले यहाँ से, और फटाफट से मैं कोई एक एम्प्लॉयर हायर करने वाला हूँ गाइस, इसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा किसी एम्प्लॉयर हायर पे, मैनेजमेंट में जाऊँ, केस ड्रॉप, भाई गन वगैरह मैं ले सकता हूँ गाइस मैं, बट नहीं लेना मेरे को गन वगैरह का, किससे नहीं लेना, मेरे को एक कोई एम्प्लॉयर हायर करना है गाइस। हम लोग एम्प्लॉयर कैसे कहाँ से हायर कर सकते हैं, मेरे को ये नहीं पता चल रहा, एम्प्लॉयर वगैरह कहाँ से हायर करना है हमको। और देखो प्लेयर अपग्रेड से जाकर हम लोग मूविंग स्पीड वगैरह बढ़ा सकते हैं अपनी, ठीक है, जो कि हम लोग कर सकते हैं। बट वेट, पुलिस वाला आ चुका है, इसको कुछ देखेगा कि कोई इलीगल वगैरह काम तो नहीं कर रहा मैं, बट इसको पता ही होगा मैं कुछ ऐसे काम कर ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे कोई दिक्कत वाली दिक्कत ही नहीं लेने का। बट इस सिक्योरिटी कैमरा मेरे चल क्यों नहीं रहा है, एक मिनट रुको मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ये चल क्यों नहीं रहा है ये कैमरा, है ये ख़राब है क्या, ये लगवाया तो था मैंने, वेट मेरे को स्क्रीन वगैरह भी लगवानी है क्या। यहाँ से मैं जाता हूँ जोन एमओ पे, और यहाँ से मैं देख लेता हूँ कि कुछ और भी चाहिए होगा मेरे को। हेलो, ओह गाइस हम लोग एयर पंप भी चालू कर सकते हैं, देख रहे हो एयर पंप वगैरह भी लगा सकते हैं। ओके पुलिस वाला आ चुका है वो, नहीं है अब आता ही होगा, रास्ते में होगा फिर वो, ठीक है। मैं सर आप भी निकलिए, बहुत बढ़िया डन, देखो ये आ गया पुलिस वाला है, और कुछ नहीं रखा हुआ मैंने, चले जाओ सर कुछ भी, और इतने मोटे कैसे हो गए ये बताओ पहले आप। ओके तो एक दो गाड़ियाँ और आ गई, फटाफट जाके इनको भर देता, बट ये कुत्ता यहाँ क्या कर रहा है मेरा, अरे कहीं भी बैठ जाता है भाई, देख तो ले भाई गाड़ी वाड़ी कोई चढ़ा देगा तेरे ऊपर यार। डन, इसके में पेट्रोल भरना शुरू हो जाएगा, और इसके में फटाफट से उठाकर हम लोग इसके में भी यहाँ पे रख देते हैं, नाइस, ठीक है। और देख लो हम लोग एयर गैस का भी वो काम चालू कर सकते हैं गाइस, ठीक है, ये तो इजी रहेगा। और यहाँ से नो स्मोकिंग का साइन बोर्ड भी ले लूँ क्या, भाई बंदे बहुत स्मोकिंग करते हैं यहाँ पर, टॉयलेट पेपर डिसअपीयरेंस वगैरह वगैरह है, डिस्पेंसनर है, ठीक है, सोप वगैरह है, स्टेशन पे जाऊँगा तो देखो ये सब मैं चीज़ें लगा सकता हूँ गाइस। देखो ये रहा कैमरा वगैरह, स्टेशन साइन लगा सकता हूँ, ठीक है, और एयर कैड मशीन, ये सब मैं लगा सकता हूँ, ठीक है, मैं इसको अपग्रेड कर सकता हूँ गाइस काफ़ी ज़्यादा, नाइस अच्छी चीज़ है यार, ठीक है। और टर्बो फैन वगैरह 1000 का ही कम हो, इतना महंगा क्यों है, आइसक्रीम वगैरह भी रख सकता हूँ, टॉयलेट वगैरह, काफ़ी चीज़ें हैं करने के लिए, बट मेरे को लोन लेना पड़ेगा फिट, मैं लोन पर चला जाता हूँ। यहाँ पर सबसे महंगा लोन किस चीज़ का है, $10,000 का है, फटाफट अप्लाई पर डाल देते हैं, और वी विल सेंड यू ईमेल व्हेन यू अप्लाई इज कंप्लीटेड। अच्छी हाँ, तो मेरे को ईमेल सेंड करेंगे जब मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके तो कोई चोर वगैरह तो नहीं आ रहा ना, पहले मैं देख लूँ किसी कहीं से भी आ रहा होगा, यार इसकी भैंस की लकड़ी, निकल यहाँ से निकल, समझ नहीं आती भाई इसकी खोपड़ी में, कितनी बार मार चुका हूँ उसके चाटे में। ओके कितना है, 19% बचा हुआ है, और उनकी मैं पेट्रोल भर चुका है इन दोनों की गाड़ियों में, ठीक है, तो मैं अब पेट्रोल नहीं भरने वाला हूँ। ओके अब चल रहे हैं सोने, और गिफ्ट लेके भी जाना है मेरे को, जो मैंने गिफ्ट खरीदा था लास्ट टाइम, इसको उठाकर फटाफट से यहाँ पर लगा देता हूँ। और मेरे को एक गार्ड भी शायद से हायर करना पड़ेगा। ओके ईमेल आ चुका है, ईमेल देख लेते हैं फटाफट से क्या ईमेल मिला है। योर एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड, यू कैन रीच हायर लोन्स बाय इंक्रीजिंग योर इनकम लेवल्स और स्टेटस। यार मैंने ये चीज़ सेकंड वाले में ट्राई करा था पता है, बट सबसे दिक्कत पता है क्या है गाइस, कि यार इसमें ना हमको लोन नहीं मिलता, पहले हमको अगर लोन चाहिए ना तो हमको यार अपनी ना वो क्या कहते हैं उसको, हाउ अबाउट अपग्रेडिंग योर हाउस, आई एम श्योर योर फैमिली वुड लव टू मूव इन अ नाइस हाउस। अरे घर वर के लिए पैसा नहीं है भाई मेरे पास, हाँ तो गाइस रात हो चुकी है, और देखो मैं आपको बता दूं अगर हमको लोन चाहिए तो इसके लिए पहले हमको अपनी इनकम सोर्स को, मतलब इनकम जो मेरी है उसको बढ़ाना पड़ेगा हर दिन के लिए, मतलब उसको पहले उतनी इनकम होनी चाहिए कि जितना मैं बैंक को लोन उतार सकूँ, ठीक है, क्योंकि बैंक इंटरेस्ट के साथ मेरे को देगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। फटाफट से आप भी आइए जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि मेरे को ज़्यादा काम है अपने के पास, ठीक है, मेरे को घर भी जाने का, रात हो गई है काफी ज्यादा। ओके डन, आप भी आइए सर और आप भी निकल जाइए यहाँ से, पेमेंट आपकी भी कंप्लीट है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसको उठा के कूड़ा वूड़ा इतना मत फैलाओ यार, मैं थक जाता हूँ सफा करता करता भाई, ठीक है, इसको भी फेंक देते हैं, और यहाँ से भी हम थोड़ा बहुत ले आते हैं। भाई देखो चोरी वगैरह होगी मेरे को समझ नहीं आ रहा, आखिर मेरे को बचना कैसे है, कोई गार्ड वगैरह रख लेना है क्या मेरे को अपने पास, ठीक है, इसको यहाँ फेंक देते हैं, बिल्कुल रात हो गई मेरे को सोने के लिए जाने का है, और फटाफट से इसको कर देते हैं बंद, और बिल एक्सेस कर रहा है, पता नहीं देना है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है। फिलहाल जाके पंप में वापस इसमें लगा दिया, अच्छी बात है। और अभी हम चल रहे हैं, एक मिनट गिफ्ट ले लेता हूँ, मैंने गिफ्ट तो एक्जैक्टली लिया ही नहीं है भाई, ठीक है, तो मैं फटाफट जाके गिफ्ट ले लेता हूँ जो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिया था, और मेरे गिफ्ट के जरा ये रहा, ठीक है, नाइस, इसको मैंने ले लिया है फटाफट से, और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ बंद, और मैं चलता हूँ फटाफट से अब यहाँ से सोने के लिए भाई, ठीक है। ओके दोनों बंदे चले जाएंगे, कोई चोर वगैरह तो नहीं आने का ना यार, दिक्कत ये है बस कि चोर रात में भी आएगा क्या, मुझे रात में तो आता है, पर हमारे वाला चोर अलग है, वो दिन में आता है। ओके घर पर चलते हैं फटाफट। ओके गाइज वेलकम टू होम, ठीक है, फिलहाल हम घर पर आ चुके हैं, फटाफट से मैं ये जाकर दे देता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड को, और साथ में मैंने अपनी मम्मी के लिए दवाई भी ले ली थी, तो वो भी मेरे को वापस करनी, मतलब उनको देनी है, तो फटाफट से जाता हूँ। और ये गिर कैसे गया भाई, ठीक है, फटाफट अबे अपना आप खुल रहे हैं सारे दरवाजे यार। ओके प्रेस ई टू टॉक, अरे मम्मी आपको नहीं देना था, ओके फाइन, आपकी दवाई लेकर आया था मैं, दवाई मैंने
आई डोंट हैव डेट, पर दवाई तो ली थी मैंने यार। वेट, इसको उठा के फटाफट से दे देता हूँ। ले भाई ले, फटाफट ले ले। अरे लेना अपने लिए पकड़। भाई गाइस, हम इससे बात भी नहीं कर सकते। ये क्या हो रहा है यार, ये कोई ग्लिच व्लिच आ गया है क्या, भूत वूत आ गया है घर में मेरे। ये सारे गेट अपने आप ही खुल रहे हैं। हैं, अपने आप कैसे खुल रहे हैं गेट दरवाजे? ठीक है मैम, मम्मी आपके लिए दवाई लाया था मैं यार, पर नहीं कुछ देख बात भी नहीं कर पा रहे अब इनसे हम। भूत वूत है यहाँ पर। हेलो, ठीक है फटाफट सुन चलते हैं। ओके गाइस, आज वाले इस वाले एपिसोड में बस इतने में कॉमेंट बताना आपको कैसा लगा। ठीक है, आई होप आपको मजा आया होगा। और अबे ये अपने आप खुल रहे हैं, तुमने देखा भाई? अपने आप खुल रहे हैं सारे दरवाजे। तो भूत वगैरह भी है क्या? हेलो भाई, आवाज तो किसी की आ रही है। अब इसको करते थे बंद, पता नहीं भाई कौन सा भूत है। फटाफट चलते हैं सोने के लिए। ओके, तो गाइस आज वाले सारे एपिसोड में इतने को कमेंट करना आपको कैसा लगा, और आई होप आपको मजा आया होगा पार्ट टू में इसका। ठीक है, मतलब पार्ट थ्री हो गया एक तरीके का, बट आपके लिए पार्ट टू है। और सॉरी यार, मैं पार्ट टू नहीं डाल पाया था क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग करते हुए वो ग्लिच आ गया था सॉफ्टवेयर में, जिसकी वजह से वो वीडियो रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई। ठीक है, बट कोई बात नहीं, आपने कमेंट करना आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब कर दो ना चैनल को शेयर के साथ साथ। और हाँ, साथ में क्या कहते हैं, साथ में लाइक भी कर दो वीडियो को। ठीक है, लाइक किया करो साथ में। कौन सा गेम आपको देखना है नेक्स्ट गेम पे, वीडियो कमेंट कर देना उस गेम का नाम, एंड हम जरूर खेलेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतने, तो मिलते हैं किसी और अनदर गेम प्रोडक्ट के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।